हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, द फन दे हैड बाय इसाक एसिमो। अब चैप्टर के जो राइटर है उन्होंने इस चैप्टर में जो है फ्यूचर की बात करी है। फ्यूचर यानी कि 150 साल बाद की बात करी है। अब 150 साल बाद की बात करी है तो इस चैप्टर में है क्या? अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जाऊं तो हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि हम फिजिकली स्कूल जाते हैं और हमारे पास बुक्स अवेलेबल है और हमें टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन यही बात 150 इयर्स बाद की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सब कुछ जो है डिजिटली था, यानी कि ई बुक्स यानी कि सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल हो, कंप्यूटर से ही सब स्टडी करते हो। और रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर जिसे हम बोलेंगे इस चैप्टर में, वो पढ़ाते थे, वैसा राइटर ने जो है बताया है। अब इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स हैं मार्गी, टॉमी, मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, काउंटी इंस्पेक्टर, मैकेनिकल टीचर। मार्गी 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है, टॉमी 13 ईयर ओल्ड बॉय। अब मिस्टर एंड मिसेस जोन्स जो है वो मार्गी के मम्मा है। एंड काउंटी इंस्पेक्टर इस चैप्टर में एक पर्सन, एक मैकेनिक है जो रोबोटिक टीचर को रिपेयर करते हैं, उनके मेंटेनेंस करते हैं। रिपेयरिंग करने का काम जो है काउंटी इंस्पेक्टर का है। और मैकेनिकल टीचर यानी कि वो एक पर्सन नहीं है, एक रोबोट है, और रोबोट जो है पढ़ाता है और वो सबके घर में रहता है, इसलिए उन्हें मैकेनिकल टीचर बोला गया है। अब मार्गी जो है उन्हें डायरी लिखने का बहुत शौक था, उन्हें डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता था, जिसके कारण वो हर दिन डायरी लिखती थी। अब वो एक दिन 17 मई की नाइट थी, 17 मई 2157 का टाइम था, और उस समय रात के टाइम वो डायरी लिख रही थी। और उस डायरी के अंदर उन्होंने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज रियल बुक मिली। अब वो लोग पूरी डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे थे और उनके लिए एक रियल बुक, एक असली बुक फाइंड करना, एक मिल जाना उनके लिए एक यूनिक बात थी, जिसके कारण मार्गी ने अपनी डायरी में कंप्यूटर के थ्रू ही लिखा। कंप्यूटर में ही डायरी लिखेगी ना, जैसे कि उस टाइम पे पेजेस एंड बुक्स अवेलेबल नहीं थे। आज से 150 साल बाद की बात हो रही है, इसलिए मार्गी ने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और जब वो ये लिख रही थी तब उन्होंने सोचा, उन्हें एक बात याद आ गई कि उनके जो दादाजी है वो कहा करते थे, उनके दादाजी के दादाजी के टाइम का, जब टाइम था उनके दादाजी के दादाजी का, तब ये सब बातें जो है वो नॉर्मल हुआ करती थी। सारी चीजें बुक्स पे ही अवेलेबल, इवन उन्हें कोई स्टोरीज भी पढ़नी हो वो भी बुक्स में ही अवेलेबल होती थी। ये बात जो है मार्गी को याद आती है जब वो डायरी लिख रही होती है। अब मार्गी को जो है डायरी के अंदर एक चीज बहुत अजीब लगती है, वो है कि बुक जो है वो पूरी येलोइश हो चुकी होती है, कलर उसका येलोइश हो जाता है और रिंकली हो जाती है। बुक जो है टॉमी को मिली है और मार्गी ने देखा कि बुक बहुत पुरानी है, उसका कलर भी येलोइश हो गया है और थोड़ा सा सलवट सलवट रिंकल्स आ गए हैं। और दूसरी बात उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगती है दोनों को, मार्गी एंड टॉमी को, कि बुक में जो वर्ड्स है वो मूव नहीं कर रहे, वर्ड्स आर नॉट मूविंग। ऐसा क्यों उन्हें लगता है? क्योंकि वो पढ़ रहे थे कंप्यूटर के थ्रू। अब कंप्यूटर में जब भी वो कुछ पढ़ते थे, उन्होंने जब पढ़ लिया वो चीज अपने आप हट जाती है और नेक्स्ट जो वो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपने आप कंप्यूटर पे प्ले हो जाता है। और बुक जब उन्होंने देखी थी खोल के तब ऐसा नहीं हो रहा था। और इसके ऊपर टॉमी बोलता है कि यार कितना बोरिंग है, लोग इसे एक बार पढ़ के फेंक देते होंगे, सब बोर हो जाते होंगे इससे, और इसे एक ही बार पढ़ना, खुद ही पेज पलटाना, बहुत अजीब लगा ये टॉमी को। अब टॉमी जो है अपनी ई बुक को कंपेयर करता है, ई बुक यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो अवेलेबल है, उसके चलते वो बोलता है कि हमारी बुक्स देखो ना, हमारे टेलीविजन पे मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल है, और इसके अलावा भी अगर हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट है और हम और सी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा भी। मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल और कहाँ एक ही बुक में एक ही बातें लिखी है। और मार्गी जो है ये सब सुनते सुनते हाँ में हाँ मिलाती रहती है। अब आफ्टरवर्ड्स मार्गी जो है टॉमी को पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? तब टॉमी बोलता है मेरे घर से। फिर ऐड करते हुए ये भी बोलता है कि इन द एथिक टेक्स्ट बुक में इन द एथिक वर्ड यूज हुआ है। इन द एथिक यानी कि
एक ऐसी जगह घर में जहां घर का पुराना सामान रखा जाता हो, स्टोर रूम जैसा, स्टोर रूम जैसी जगह को हम बोलेंगे इन द एटिक। टॉमी को ये पुरानी जो बुक है वो वहां से मिली। बिस्के आगे मार्गी पूछती है, अच्छा तो तुम्हें ये बुक वहां से मिली, ये बुक है किसके बारे में? तब टॉमी बोलता है कि ये बुक है स्कूल के बारे में। तब मार्गी ने ऐसे रिएक्ट किया कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, और उसका रीजन ये था कि मार्गी के जो ज्योग्राफी के टीचर हैं, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर है, वो ज्योग्राफी की जो टेस्ट है, टेस्ट पे टेस्ट बहुत लेते थे, और उसकी वजह से मार्गी के मार्क्स जो है डाउन होते जा रहे थे डे बाय डे। ज्योग्राफी सेक्टर में वो अच्छा नहीं कर रही थी और उसके मार्क्स डाउन होते जा रहे थे। वो बात जो है मार्गी को तो कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी, साथ साथ जो है मार्गी की मदर मिस्टर एंड मिसेस जोन्स को भी वो बात बहुत परेशान कर रही थी कि उनकी बेटी के मार्क्स कम आ रहे हैं। और इसी के चलते मिस्टर एंड मिसेस जोन्स ने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को अपने घर पे बुलाया कि कहीं मैकेनिकल टीचर में तो कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, डे बाय डे वर्स होते जा रहे हैं। काउंटी इंस्पेक्टर को उन्होंने बुलाया और काउंटी इंस्पेक्टर उनके घर पे आए। अब काउंटी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर ऐसा है कि काउंटी इंस्पेक्टर का फेस जो है वो गोल है और थोड़ा रेड कलर का है। अब काउंटी इंस्पेक्टर घर पे आते हैं और मार्गी के सामने स्माइल करके उसे एक एप्पल देते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा रोबोट ठीक करने जा रहा हूँ, तुम्हारा मैकेनिकल टीचर जो है वो ठीक करने जा रहा हूँ, तब तक ये तुम बैठ के एप्पल खाओ और अपने टूल्स एंड वायर्स जो भी वो ठीक करने के लिए लेके आए होते हैं वो ठीक करने के लिए रूम में चले जाते हैं मैकेनिकल टीचर को मार्गी के घर पे। अब मैकेनिकल टीचर को जब वो ठीक कर रहे थे उस टाइम पे जो है मार्गी सोच रही थी, जहां वो ठीक कर रहे थे तब मार्गी सोच रही थी कि वो ठीक ही ना कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है, जिसके कारण मार्गी जो है चाहती थी कि उसके मैकेनिकल टीचर ठीक ही ना हो ताकि उसे ज्योग्राफी पढ़ना ही ना पड़े, क्योंकि जैसे वो टेस्ट पे टेस्ट ले रहे थे ना, मार्गी और वीक होती जा रही थी और उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण मार्गी यही चाहती थी कि या तो उसके टीचर बिल्कुल ठीक नहीं हो, उन्हें समझ ही नहीं पड़े काउंटी इंस्पेक्टर को कि इसे ठीक कैसे करना है, और या तो फिर वो टीचर को अपने साथ लेके चले जाए ठीक करने के लिए और महीने के बाद आए, ऐसा मार्गी सोच रही थी। अब इतनी ही देर में, एन आवर, थोड़े ही घंटे में जो है काउंटी इंस्पेक्टर रूम से बाहर निकलते हैं और जैसा मार्गी ने सोचा वैसा होता नहीं है और मैकेनिकल टीचर जो है वो ठीक हो जाते हैं। मैकेनिकल टीचर में वापस से जो रोबोट की जो स्क्रीन होती है उसके अंदर वापस से लेसन्स डिस्प्ले होने लग जाते हैं और वो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है मार्गी को, वापस से एज इट इज वो ठीक हो जाते हैं। अब मार्गी को जो है एक चीज बिल्कुल नहीं पसंद थी, वो थी उसमें होमवर्क इंसर्ट करना और अपने टेस्ट पेपर इंसर्ट करना। अब मार्गी जो है इंसर्ट करना होता है उसे स्लॉट में, रोबोटिक टीचर के स्लॉट में इंसर्ट करना होता है और उसके लिए जो है पंच कोड लगता है। पंच कोड एक कोड होता है जो 6 साल की उम्र से मार्गी जो है सीखती आ रही है और उसे याद भी हो गया है, क्योंकि 6 साल की उम्र से ही वो तो रोबोटिक टीचर से ही पढ़ रही है ना, तो होमवर्क उसमें अटैच करना कैसे होता है, टेस्ट पेपर्स अटैच उसमें कैसे करना होता है, वो तो मार्गी को आता ही होगा, लेकिन ये सब चीजें जो है वो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और उससे भी बढ़कर ये अच्छा नहीं लगता था कि जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो टेस्ट पेपर अटैच करती थी ना स्लॉट में, तुरंत ही चेक करके दे देते थे बिना टाइम लगाए, और मार्गी जो है इस बात से एकदम अपसेट हो जाती थी। वो सोचती थी कि थोड़ा तो टाइम लगाओ, इतनी जल्दी कौन दे देता है टेस्ट पेपर चेक करके, तुरंत मार्क्स कौन दे देता है। अब जैसे कि मैंने कहा था काउंटी इंस्पेक्टर बाहर आए थे कमरे से ठीक करके मैकेनिकल टीचर को, काउंटी इंस्पेक्टर जो है बाहर आकर मिस्टर एंड मिसेस जोन्स को बोलते हैं और मार्गी के सर पे हाथ फैलाते हैं, ऐसे सहलाते हैं, प्यार करते हैं उसे और बोलते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, मार्गी की गलती नहीं है, वो तो अपना सही कर रही थी, लेकिन मैकेनिकल टीचर में जो है ज्योग्राफी का सेक्टर जो है वो थोड़ा हाई हो गया था, जिसकी वजह से मार्गी नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके मार्क्स डाउन होते जा रहे थे, लेकिन अब मैंने जो है टीचर में वो एकदम परफेक्ट कर दिया है, सेट कर दिया है ज्योग्राफी का सेक्टर और उसे एवरेज 10 ईयर्स कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मार्गी ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि मार्गी क्या सोच रही थी कि टीचर को लेकर ही चले जाए, ठीक ही ना हो उनसे। क्योंकि मार्गी ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हुआ था कि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर है उनमें हिस्ट्री का सेक्टर जो है वो ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक एकदम ब्लैक पड़ गया था, ना कुछ आ रहा था ना कुछ बता रहा था। तो जिसके कारण उसके जब घर में काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर करने आए थे वो तो पूरे टीचर को ही अपने साथ लेके गए, और वो महीने बाद वो देने आए थे टॉमी को टीचर। तब तक टॉमी जो है स्टडीज से एकदम फ्री था, और वैसा ही कुछ जो है मार्गी भी एक्सपेक्ट कर रही थी अपने साथ, लेकिन मार्गी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब मार्गी और टॉमी की कन्वर्सेशन वापस से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मार्गी और टॉमी वापस जैसे कि हम जहाँ पे रुके थे कि जहाँ मार्गी ने बोला कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है, तब उसका जवाब देते हुए टॉमी बोलता है कि ये स्कूल जो है हमारे जैसी स्कूल नहीं थी, इस बुक के अंदर जो लिखी है वो थी सेंचुरीज अगो, बहुत 100 150 साल पुरानी बात है ये, तो इसके कारण ये स्कूल भी डिफरेंट होगी। तो मार्गी ऐसे कहती है अच्छा ठीक है चलो होगी कोई स्कूल। तो मार्गी ने ऐसे लाइटली लिया और अपना जो हाथ है वो क्या बोलते हैं टॉमी के ऊपर रखा और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। टॉमी के शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के पढ़ रही थी। अब पढ़ते पढ़ते दोनों बुक पढ़ ही रहे थे कि फिर साथ में बैठ के पढ़ने लगे, और साथ में बैठ के पढ़ने लगे बुक जब पढ़ ही रहे थे कि वापस से मार्गी ने टॉमी से क्वेश्चन किया कि क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे। तब टॉमी ने बोला हाँ हाँ हुआ करते थे ना, लेकिन हमारे जैसे नहीं, एकदम अलग, एक मैन टीचर हुआ करता था जो कि स्टूडेंट्स यानी कि गर्ल्स हो या बॉयज हो उनको सेम होमवर्क देता था, सेम क्वेश्चंस पूछता था, ऐसा टॉमी ने जवाब दिया। तब मार्गी इस पे बोलती है अ मैन एक इंसान या फिर बोले एक आदमी इतना कितना होशियार हो सकता है जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर है, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है पहले के जमाने में। उस पे टॉमी बोलता है कि जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अब तुम मेरे फादर को ही देख लो, वो भी कितने इंटेलिजेंट है जितने मेरे मैकेनिकल टीचर इंटेलिजेंट है, मेरे फादर भी उतने इंटेलिजेंट हैं। तो फिर इसमें मार्गी बोलती है कि अच्छा ठीक है तुमने बोला कि एक मैन टीचर हुआ करता था ठीक है, लेकिन मेरी मम्मा तो बोलती है कि लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई मैं क्यों किसी स्ट्रेंजर को अपने घर पे सिर्फ पढ़ाने के लिए रखूं। तब टॉमी हंसकर जवाब देता है कि अरे ऐसा नहीं होता है, तुम्हें किसी स्ट्रेंजर को जो है अपने घर पे रखने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में एक बिल्डिंग हुआ करती थी और उस बिल्डिंग के अंदर ही सारे बच्चे एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ मिलते थे, और सभी एक ही एज के होते थे। और उसके ऊपर मार्गी फिर से बोलती है कि भाई मेरी मम्मा तो बोलती है कि टीचर को जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, जैसा स्टूडेंट वैसा टीचर, अब किसी स्टूडेंट को कोई डिफरेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना चाहिए ना, सबको सेम थोड़ी करेगा, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो उन पे ज्यादा ध्यान या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाना, ऐसा मार्गी का कहना था। मार्गी बोल रही थी कि मेरी मम्मा ऐसे बोलती कि टीचर्स को हमेशा एडजस्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब उसके ऊपर एकदम ऐसे गुस्से से वो बोलता है कि मैं बोल तो रहा हूँ सेम एज के हुआ करते थे और सेम एज के एक साथ पढ़ते थे एक ही क्लास में बैठकर, सेम एज के है ना तो एक जैसी पढ़ाई तो पॉसिबल हो ही सकती है ना। अब मार्गी फिर आगे बोलती है कि ठीक है चलो सेम एज के थे, फिर मान लिया उसने भी ये बात, लेकिन टॉमी उसे गुस्से से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, एक काम करो तुम रहने दो, तुम मत पढ़ो मेरे साथ बुक। लेकिन मार्गी को तो इंटरेस्ट आ रहा था बुक पढ़ने में, इवन उसे जब टॉमी ने ये सब चीजें बताई ना तो वो इमेजिनेशन करने लगी अपने अंदर कि पहले की स्कूल ऐसे हुआ करती थी, ऐसे बिल्डिंग हुआ करती थी, सब बच्चे एक साथ बैठते थे, एक मैन जो है वो उन्हें पढ़ाया करता था। अब वो इमेजिनेशन कर रही थी जिससे उसे इंटरेस्ट आ रहा था, और टॉमी ने उसे ऐसा बोला ना तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसे कब कहा तुम्हें कि भाई मुझे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं तो पढ़ूंगी। और दोनों बुक पढ़ ही रहे होते हैं और दोनों ने बुक आधी भी खत्म नहीं करी होती है, आधे से कम खत्म करी होती है, मतलब थोड़े ही पन्ने पड़े होते हैं, और उतने में ही जो है मार्गी की मदर जो है उसे बुलाने आ जाती है कि चलो मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तब मार्गी अपने मम्मा को बोलती है मिस्टर एंड मिसेस जोन्स को कि मम्मा अभी नहीं मैं काम कर रही हूँ बुक पढ़ रही हूँ। तब
तब उसके मम्मा बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तब मार्गी बोलती है, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ आपके साथ, अपने मदर को बोलती है। तब टॉमी जो है वो बैठ के देख रहा होता है ये सब। अब मार्गी जाते जाते टॉमी को ये बोलती है कि भाई देखो अभी तो मेरा स्कूल का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ, लेकिन स्कूल खत्म हो जाएगी ना मेरी तो हम ये बुक फिर से वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि मार्गी को तो ये बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था ना, इसलिए मार्गी ने बोला मेरी स्कूल के बाद ये बुक फिर से पढ़ेंगे। तब टॉमी एकदम ऐसे एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ हाँ देखेंगे, हम पढ़ना है कि नहीं बात की बात है, कि चलो देखेंगे पढ़ना है या नहीं, देखते हैं, तुम अभी जाओ तुम्हारी स्कूल है ना। मार्गी जो है स्कूल के लिए चली जाती है। अब मार्गी की जो स्कूल है वो उसी के घर में ही है, और रोबोटिक टीचर जो है वो भी उसी के घर में ही है। और एक बात और खास है कि मार्गी की जो स्कूल है वो नेक्स्ट टू हर बेडरूम है, उसके बेडरूम के ठीक बाद ही जो है उसका क्लासरूम है, और मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑलरेडी मार्गी का जो है वेट कर रहे थे। अब मार्गी की मम्मा का ये कहना था कि भाई स्टूडेंट्स को जो है, बच्चों को जो है हमेशा एक समय पे ही पढ़ना चाहिए, जिसके कारण ही वो मार्गी की स्कूल का टाइम हुआ इसलिए फट से बुलाने आ गई थी, भले टाइम उसे एक्स्ट्रा लगे या कुछ भी लगे उनको उसकी केयर नहीं थी, लेकिन मार्गी की स्कूल का टाइम हो गया था वो जरूरी था, और उसे पहले अटेंड करना स्कूल जरूरी था, इसलिए मम्मा उसे बुलाने आ गई थी। क्योंकि मार्गी की मम्मा का ये मानना था कि जब बच्चे एक समय पे सीखते हैं हर दिन तो अच्छे से सीखते हैं। मार्गी जो है हर दिन इसी समय पे एक समय पे ही पढ़ा करती थी, सिवाय सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन को छोड़ के वीक में जितने डेज बचे रेस्ट ऑफ द डेज वो हर दिन एक ही समय पे पढ़ा करती थी अपने मैकेनिकल टीचर के साथ। अब जैसे कि मैंने बोला मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी जो है रूम में उसका वेट कर रहे थे अपनी स्क्रीन ओपन करे हुए। अब मैकेनिकल टीचर ने जो है स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट करा था चैप्टर एडिशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन चल रहा था स्क्रीन पे, उसी के साथ साथ मार्गी जो है वहां पे आके बैठी, और उन्होंने जो है रोबोट ने मैकेनिकल टीचर ने मार्गी को बोला कि तुम्हारा जो होमवर्क है वो इंसर्ट कर दो, वो सबमिट कर दो मुझे। तो मार्गी जो है वो इंसर्ट करने लगी। अब इंसर्ट करने के बाद जो है इंसर्ट करने के लिए पंच कोड लगता है जो कि 6 साल की उम्र से ही उसे आता है। तो मार्गी ने होमवर्क इंसर्ट किया, और आफ्टरवर्ड्स जो है मैकेनिकल टीचर जब एडिशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन उसे चैप्टर पढ़ा रहे थे, तब मार्गी का ध्यान जो है पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका ध्यान था वो बुक के ऊपर, और वो बुक में जैसा स्कूल आज से 150 साल पुराना जो बताया गया था उसे मार्गी को जो है इंटरेस्ट आ रहा था, और पढ़ाने के टाइम पे भी जो है वो इमेजिनेशन कर रही थी स्कूल की, वो सोच रही थी कि कैसे एक साथ सब जाते थे, सब नेबर्स वाले मिलके, आजू बाजू वाले एक साथ मिलके स्कूल जाते थे, एक साथ शोर मचाते थे, एक साथ बैठते थे और एक साथ मस्ती करते थे। ये सब बात जो है मार्गी को बहुत अच्छी लग रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, और वो यही सोच रही थी। क्योंकि मार्गी जो है वो घर पे बैठ के ही पढ़ती है, और घर पे बैठे बैठे जो है मार्गी बोर हो जाती है। इसके आगे मार्गी ये भी सोचती है कि भाई कितना अच्छा होता होगा ना कि टीचर्स हमें होमवर्क दे रहे हैं, पहले के जमाने में टीचर्स हमें होमवर्क दे और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम फ्रेंड से भी कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, है ना। और वो चीज जो फ्रेंड से कंसल्ट करना, डिस्कशन करना, वो चीज मार्गी को बहुत अच्छा लग रहा था। कि पहले के जमाने में कितना अच्छा था कि डाउट हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर से ही पूछो, क्योंकि उनके टाइम पे तो कैसा था कुछ भी डाउट हो मैकेनिकल टीचर को ही पूछना है। पहले के टाइम इसलिए तो उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था कि एक साथ सब बैठ के पढ़ते थे, फ्रेंड्स से डिस्कस करते थे। और ये चैप्टर जो है यहाँ पे ही खत्म हो जाता है कि मार्गी वो सोचती रहती है और मैकेनिकल टीचर जो है पढ़ाते रहते हैं, और वो जो है पुराने स्कूल के बारे में याद करती रहती है, इमेजिनेशन करती रहती है, सोचती रहती है, उसी में ही डूबी रहती है एक तरीके से। इसलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जो मजा उन्होंने लिया वो स्कूल के टाइम वालों ने लिया। बस थैंक यू फॉर दिस वीडियो।